सर पीछे सरको ना चलो चलो आगे मुसलमान दिख रहा है आधा टाइम है सभी लोगों से गुजारिश विनती रिक्वेस्ट कि आपस में मत बोलो, ये कम से कम यहाँ तो भी यूनिटी रखो। यहाँ भी नहीं रखेंगे तो बाहर वही हाल होंगे आपके। यहाँ आपस में कहीं किसी को बैठने की तकलीफ भी हुई तो छोटा हॉल है वो समझ सकते हैं। ये कोई प्रोटोकॉल का कार्यक्रम नहीं है कि किसको मान देना किसको सम्मान देना, ये सबके लिए हज हाउस है। हज हाउस का भी यहाँ के अंदर लोगों की कमी है। सिर्फ आपस में क्यों बोल रहे, पीछे वाले क्यों बोल रहे भाई? पीछे वालों को क्या आपको यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए भेजा है क्या? अरे एक जगह तो कहीं शांत रहो, सुकून से रहो। यहाँ से कम अमन का एक अच्छा नारा लेके जाओ। तुम भी आपस में बोलेंगे तो इसके बाद कोई नहीं आएगा आपके पास। वो भी लगेगा ऐसा एक प्रोग्राम में क्यों धक्के खाने के लिए जाना है, थोड़ा सोचना चाहिए। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, और जिसको पसंद नहीं आता ये प्रोग्राम उन्हें चले जाना पाए। लेकिन दूसरे भाई यहाँ जो बैठे हैं, जो यहाँ बाकी के गेस्ट आए हुए, एमएलए आए हुए, एमपी आए हुए, उनको ही धक्का मार के क्या बन लिया? तो प्रोग्राम का आप चालू करो, बीच में कोई डिस्टर्ब मत करो। जो प्रोग्राम ठहरा हुआ है, जो मुझे लगता है कि हज हाउस के सदर और अपने वर्क बोर्ड के अध्यक्ष बोलेंगे कुछ, मुझे लगता है नाना बोलेंगे और राजपूत बोलेंगे और प्रदीप भैया आप भी बोलेंगे। दो मैंने बोला शुभेच्छा देना, मुबारकबाद देना, और उतने इसमें लोग खुश हो जाएंगे, घर को जाके खुश होंगे कि हमारे सब कुछ हमसे अच्छी बात करें और क्या अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तुम्हारी डिमांड थी जल्द से जल्द होना चाहिए, अब जल्दी कर दिया तो इतनी जल्दी क्यों करें? और इनका वहाँ अतिक्रमण है ग्राउंड के ऊपर, कभी वॉलीबॉल खेलते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी कुछ भी लगाते। आखिरी इनका भी बिस्मिल्लाह कर ही देता मैं वहाँ ग्राउंड का। जनाब सत्तार साहब से दरखास्त है कि वो इम्तियाज जलील साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। चेयरमैन साहब का यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब जनाब सत्तार साहब अब इम्तियाज जलील साहब का सत्कार करेंगे। हरिभाऊ कागड़े नाना का इस्तेमाल करने की मैं अब्दुल सत्तार साहब से दरखास्त करता हूँ। जनाब आसिफ खान साहब जो कि सदर है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के, उनसे जनाब इम्तियाज काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे मौजूद सिडको के मुख्य अभियंता श्री बायस से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। श्री बायस इमारत की मानकान के बारे में तफसील देंगे। धन्यवाद। आजच्या हजारो लोकांमध्ये सोहळ्यात उपस्थित माननीय आमदार श्री अब्दुल सत्तार अल्पसंख्यक विकास व प्रशासकीय विभाग व तिसरा विभाग हाजी निवासस्थानाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। इमारतीत तळमजला व पहिल्या मजल्यावर 450 व्यक्तीकरता अद्ययावत सभागृह आहे, जिथे आपण सध्या बसलेलो आहोत। तसेच त्याचप्रमाणे प्रार्थनागृह, हज यात्रे जाणाऱ्या नागरिकांसाठी 24 डॉर्मिटरीज, कौटुंबिक रूम, फॅमिली रूम 16 व अतिमहत्वाच्या व्यक्तीसाठी 5 रूमचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। सत्तार साहब का और तमाम मौजूद मेहमानों का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। वंडर कंस्ट्रक्शन की जानिब से श्री बायस से शहरिया ने औरंगाबाद की जानिब से। चलिए, आज मराठवाड़ा के तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही खूबसूरत इमारत हज हाउस की शक्ल के अंदर, और यकीनन मराठवाड़ा के पूरे जो हाजी हैं उन लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, 10 साल लगे इसे बनाने के लिए, लेकिन जब बनी है तो बहुत अच्छी बनी है और यकीनन सभी लोग इससे खुश हैं। देखिए, कम से कम शुरुआत हो चुकी है और अभी पूरे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है, तो हम समझते हैं कि 15 दिन के अंदर, जैसा सत्तार भाई ने बताया है, इंशाल्लाह पूरे रिक्रूटमेंट और पोस्ट यहाँ पे भर दिए जाएंगे। खासदार बनवला ते म्हटले मी तुम्हाला खासदार नेमकं काय थोडं सांगाल का? ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये जग जाहिर है, इसके अंदर कोई नया बात मैंने नहीं कही है। मुझे जिन लोगों ने मदद किया था उसमें यकीनन सत्तार भाई ने भी मदद की है।